पर्सनल सवाल है आपसे, वो ये कि मैंने अक्सर कई बार देखा है कि जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो इस टाइप का टेम्पो देख के तुरंत हाथ दे देते हैं। वो जब वो हाथ दे देते हैं तो क्या बातचीत होती है? हाथ दे देते हैं, लाइसेंस दिखाओ, कागज दिखाओ, आरसी दिखाओ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास मौजूद है, सिलेंडर दिखाओ, गैस सिलेंडर है नहीं है, अच्छा फिटनेस, सारे चीज मांगते हैं। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो फिर भी कुछ आगे बातचीत होती है? फिर आगे कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं। अच्छा, कि तुम्हारी गाड़ी में ये कमी है, थोड़ा बॉडी बड़ी है, हाँ। ये है वो है, कोई ना कोई कमी निकाल ही देंगे। भले ही हम माल कम लोड किए हैं, हाँ। बता देंगे तुम्हारे में ओवर लोड है, कांटा कराओ ले चल के। हाँ। अच्छा, मतलब पैसे बनाने का काम है। एक पुलिस वाले का हाथ लगभग आपको एक एवरेज कहूँ तो कितना महंगा पड़ जाता होगा एक पुलिस वाले को रोकना? जैसा कोई कम में मांग जाता है कोई। फिर भी लगभग कितना पैसे देना पड़ता होगा? लगभग 500-200 हजार। और ये जो 500-200 हजार है ये आपकी जेब से जाते हैं या फिर आप आगे से लेते हैं? नहीं, मालिक से जाते, मालिक से लेते हैं। मर ही जाएंगे। जो पर्सनल लेवल पे चलाते होंगे, जैसे आप मान लीजिए, जैसे आपने कहा कि आप तो नौकरी कर रहे हैं, जो पर्सनल लेवल पे चलाते होंगे वो तो फिर उनकी जेब से जाता होगा? तो उनकी जेब से जाएगा। तो लगभग एक दिन में इस माल ढोने वाले ऑटो से, जिसे हम पोर्टर कह सकते हैं, इसमें कितनी कमाई होती होगी? हमारी मुश्किल से 2,500-3,000। 2,500-3,000 एक दिन की। और कितना बर्न हो जाता है कि पेट्रोल में या डीजल में इतना चला गया, पुलिस वाले को इतना चला गया? 300 रुपए गैस के लग जाते हैं। हाँ, उसके बाद सैलरी हो गई, दो आदमियों की सैलरी, एक ड्राइवर एक कंडक्टर, हाँ करीब 2,000 ऐसे निकल गए, वही बचा। आपने कभी जो सवारी वाला ऑटो होता है या फिर सवारी वाली कोई चीज, वो भी चलाई है? क्या अंतर है एक पैसेंजर व्हीकल चलाने में और माल ढोने वाले चलाने में? पैसेंजर में तो बहुत सारी परेशानी। अच्छा, पैसे में बैठ भी लेते हैं, किराया नहीं दूंगा, कुछ बोलो तो मानने पे तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास है ही नहीं इतने, जैसे 10 रुपए किराया, कहते 5 ही रुपए किराया है, 5 ही, तो उसमें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा, अगर नहीं बर्दाश्त करोगे रोड में नहीं चल पाओगे। ठीक है, एक माल ढोने वाले ऑटो में सबसे ज्यादा तकलीफ चीज क्या होती है? कि ये तो सबसे बड़ी तकलीफ है हमारी, टाइम नहीं है कुछ कोई इसका। अच्छा, ड्यूटी का टाइम नहीं है। कितना लगभग कितने घंटे आपकी ड्यूटी रहती है? ड्यूटी तो 8 घंटे की होती है, 12 घंटे भी हो जाता है, 13 घंटे भी हो जाता है। तो आपको जो एक्स्ट्रा घंटे है इसमें, उसके उसकी पगार भी मिलती है? कुछ नहीं। तो वो आप एक्स्ट्रा घंटे क्यों डिवोट करते हैं, क्यों देते हैं? नौकरी नहीं है, क्या करेंगे, मजबूरी है। अच्छा, और कहीं जॉब मिल नहीं रही है तो इसलिए मजबूरी है, करना है। आप अमूमन मान लीजिए, अगर जैसे अभी तो आपको 25 साल हो गए, एक आपका एक नेटवर्क बन गया होगा, सर्कल बन गया होगा, लेकिन अगर नौकरी की बात आती है, नौकरी बदलने की बात आती है, तो अक्सर आपका प्रोसेस क्या रहता है कि कहाँ नौकरी ढूंढते हैं आप? नौकरी ढूंढते हैं जैसे कोई मालिक अच्छा मिल जाए तब तो ठीक है, नहीं तो हर मालिक एक जैसा नहीं होता है। हमने इनके 2,500 से नौकरी किया है, आज हमारी 18,000 तनख्वाह है। अच्छा, एक ही मालिक के पास है, मालिक तो बहुत हमको दिए कि इतना पैसा दे दूंगा, उतना पैसा दे दूंगा, आ जाओ, लेकिन क्या होता है यहाँ से छोड़ के वहाँ गए, जब तक उनकी जरूरत थी चलवाए, 2-3 महीने बाद निकाल दिए। अच्छा, तो इस वजह से कि जितना मिल रहा उतने संतुष्ट रहो। और कारण क्या देते हैं वो निकालने का? निकालने कारण देते हैं कुछ ना कुछ बहाना वो बना ही देंगे। जैसे अगर एक दो बहाने अगर आपको कुछ याद हो ऐसे? काम करके नहीं दे रहे हो। अच्छा, सेल करके नहीं दे रहे हो। हाँ, हाँ, लेट आ रहे हो, ये है वो है, दुनिया भर की कहानी बताएंगे। एक आपसे सवाल ये भी था मेरा, जैसे आप मान लीजिए माल बुक कराने के लिए जा रहे हो, है ना, ट्रांसपोर्ट पे आपको माल बुक कराने के लिए जाना होता होगा, या फिर किसी का घर शिफ्ट होता होगा तो सामान वो शिफ्ट कराना होता होगा, इसके अंदर जो सामान होता है उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है या फिर किसकी होती है? हमारी होती है। अगर गलती से कुछ गायब हो जाए तो फिर क्या करते हो उस कंडीशन में? तो हमारी तनख्वाह से कटा, तनख्वाह कटती है। ऐसा कभी हुआ है क्या आपके साथ? नहीं, गायब तो नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, लेकिन गायब होगा तो हमें कुछ पे करना पड़ेगा। ये कैसे मेक श्योर करते हैं कि जिसका सामान अंदर रखा है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे? सुरक्षित ले जाते हैं, उसकी काउंटिंग करते हैं। अच्छा, सामान की कितना सामान है, हाँ, उनके सामने काउंटिंग करते हैं, अब जाते हैं वहाँ काउंटिंग करवा देता हूँ। अच्छा, सड़क पे चलाने में, क्योंकि आप तो खैर 25 साल हो गए, एक्सपीरियंस होगा आपको ड्राइवरी का, आपको क्योंकि वो रोड साइंस समझ में आ जाती है कि क्या है और क्या नहीं,
फिर भी, लेकिन कुछ ऐसी समस्या कि जो लगता है कि दिल्ली की सड़कों पे ड्राइवर ये सामान वाला ऑटो चलाने में ये वाली तकलीफ तो होती ही है। हमें तो कोई तकलीफ नहीं होती। नहीं, पुलिस वाला देख के तकलीफ होती है। पुलिस वाले देखते तो तुरंत मोड़ लेते हैं या फिर रोक लेते हैं या फिर क्या करते हैं? मोड़ते नहीं है। हाँ, मोड़ते नहीं है। फिर क्या करते हैं? हमें तो चलना है रोज, उसी अभी रोड पे हमें रोज चलना है। हाँ। आज हम मोड़ लेंगे, कल फिर मिल जाएंगे, परसों फिर मिल जाएंगे, इसलिए मोड़ते नहीं है। क्योंकि हम परमानेंट चल रहा हूँ ना इस रूट पे। हाँ। तो हमें तो मिलना है, महीना में एक बार भी मिल गए तो फिर वो काम होने का। चलिए, धन्यवाद।